सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए के टेक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो लोग गोल्डन मैच 3 ऐप का यूज करते हैं या फिर डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना अगर आप गोल्डन मैच 3 का यूज करते हो या फिर यूज करना चाहते हो। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने इसी बारे में बनाई थी तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका जो है पेमेंट प्रूफ का वीडियो बनाइए, और भी बहुत सारे सवाल आए थे जिनमें ये था कि KYC पेंडिंग क्यों बता रहा है, क्या ये ऐप फेक है, क्या इस ऐप को हमें डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरे सवालों के जवाब बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस एप्लीकेशन से कितने जो है पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप मेरा बैलेंस यहाँ पर 762 रुपये हुआ है। दोस्तों, मैंने इसको सिर्फ 10 दिन पहले जो है इंस्टॉल किया था और 10 दिनों में ये मेरा बैलेंस जो है 762 रुपये हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये KYC वाला क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, यहाँ ऊपर मेरा बैलेंस शो कर रहा है और नीचे देखिए फ्रेंड्स ये KYC पेंडिंग है। अगर मैं विथड्रॉवल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये KYC पेंडिंग बता रहा है। दोस्तों, मैंने लगभग 5-6 दिन हो गया है तब KYC किया था, लेकिन तब से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और दोस्तों, मैंने इनके टीम से बात भी की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने इनसे पर्सनली बात की थी लेकिन वहाँ पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये देखिए मैंने 22 तारीख को जो है इनसे बात की और 20 तारीख को भी बात की, यहाँ पर देखिए मैंने बात की थी, मैं काफ़ी कोशिश की इनसे बात करने की लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कोई मुझे उत्तर नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये ऐप बिल्कुल फेक ऐप है और इस पर अगर टाइम आप बर्बाद करते हो तो ये बहुत ही आपकी बड़ी गलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस पर अपना टाइम बर्बाद ना करें, और अगर जैसे ही मेरा KYC पेंडिंग से सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए और उसके बाद जो है आप इस पर अपना काम करना चालू करें। दोस्तों, तब तक के लिए जब तक के लिए कोई भी पेमेंट प्रूफ नहीं मिल रहा है तब तक के लिए आप इस पर बिल्कुल भी अपना टाइम ख़राब ना करें। तो मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप अपना टाइम ख़राब ना करें क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।